लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सारण लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की यह प्रक्रिया 3 मई तक चलेगी और इसको लेकर यहां जो नामांकन की ये पूरी प्रक्रिया है उसको उसकी सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। ये क्षेत्र है जहाँ नाम निर्देशन कक्ष बनाया गया है। ADM चैम्बर में 20 सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन होना है और जो गेट बनाए गए हैं समाहरणालय के 3 गेट हैं, इन 3 गेटों को A, B और C भागों में बांटा गया है। जो ए गेट है यहाँ से सारण के लिए जो है वो नामांकन के लिए जो अभ्यर्थी आएंगे वो एंट्री लेंगे और जो सी गेट है वहां से जो महाराजगंज के लिए जो अभ्यर्थी आएंगे वो एंट्री लेंगे और यहाँ पे उसके लिए 3 सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। दोनों ओर कार्यालय है और कार्यालय में आने वाले लोगों को भी कोई परेशानी ना हो इसके लिए पैदल लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उनसे पूछताछ कर रहे हैं पुलिस के जो जवान यहाँ तैनात हैं और सभी से पूछताछ करने के बाद वो किन किन कारणों से यहाँ आए हैं, अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है और फिलहाल जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। फिलहाल अभी तक तो किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज नामांकन का पहला दिन है तो कोई किसी न किसी प्रत्याशी का नामांकन आज होगा। कोलू कुमार के साथ सुरभित, छपरा2day.com। नोटिफिकेशन आज जारी हो हुआ है, उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम होगा उसके संबंध में हम लोग जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहला है कि अधिसूचना जो है वो आज 26 अप्रैल शुक्रवार है आज जारी किया गया है। नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है वो 3 मई शुक्रवार तक रहेगी। इसमें जो है आप सभी लोग अवगत हैं कि आयोग के द्वारा जो पब्लिक हॉलीडे है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है उसके अंतर्गत अगर कोई छुट्टी है तो उसमें नॉमिनेशन नहीं लेना है। तो ये जानकारी जो है आप अभ्यर्थी को भी और अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि कौन कौन सा तिथि में जो है नॉमिनेशन नहीं लेना है। जैसे आज जो है वो 26/4 है, नॉमिनेशन हम लोग ले रहे हैं। कल जो है हम लोगों का शनिवार है, शनिवार जो होता है वो जो आखिरी शनिवार होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत वो जो है वो ये होता है। मतलब 27/4 जो कल है उसमें नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा। फिर 28/4 जो है वो संडे है, संडे को नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा। और फिर जो है वो 29/4 को जो है लिया जाएगा, 30/4 को है लिया जाएगा और फिर 1/5 जो है आपका लेबर डे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो 1/5 को जो है वो नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा। अर्थात जो है सारण लोकसभा क्षेत्र के लिए जो आपका है 27 अप्रैल, 28 अप्रैल और 1 मई को जो है नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा, बाकी दिनों में जो है वो नॉमिनेशन लिया जाएगा। नॉमिनेशन जो लिया जाएगा और जो जैसा कि मैंने बताया कि 3 मई जो है उसका आखिरी तिथि है और नॉमिनेशन जो है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक लिया जाएगा। और नॉमिनेशन का जो स्क्रूटनी होगा वो आपका 4 मई को होगा। जो नॉमिनेशन वापसी का है, अभ्यर्थिता वापसी का अंतिम तिथि है वो 6/5 का है। 6/5 जो है वो हम लोगों का अभ्यर्थिता वापसी का तिथि है। उसके बाद हम लोग जो कैंडिडेट जो है फाइनल करके हम लोग डिस्प्ले कर देंगे और आप लोगों को भी हम लोग अवगत करा देंगे मैदान में कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो आ रहे हैं। मतदान की तिथि है जो है 20/5/2024 को है। आप सभी लोग अवगत हैं कि सारण लोकसभा के लिए जो मतदान का समय है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक और ये मतगणना की तिथि है वो 4 जून को है, 4/6/2024 का। और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि है वो जो आयोग के द्वारा है वो 6 जून का है, 6/6/2024 को। इसमें थोड़ा सा और अवगत करा दें कि कौन कौन जो है हमारे ARO हैं। तो सारण लोकसभा जो क्षेत्र है इसमें जो है हमारे 6 विधानसभा आते हैं। इसमें 117 बढ़ौड़ा, 118 छपरा, 119 गरखा, 120 अमनौर, 121 परसा और 122 सोनजू। और ARO जिस रिटर्निंग ऑफिसर हैं हमारे ADM साहब हैं तो ये रिटर्निंग ऑफिसर हैं। और जो आपके सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं मढ़ौरा के अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा, छपरा के अनुमंडल पदाधिकारी छपरा, गरखा के जिला भोजन पदाधिकारी, अमनौर के हैं डायरेक्टर DRDA, परसा के हैं DC सोनपुर और सोनपुर के हैं अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर। ये उनके जो है वो ARO के रूप में हैं। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपरा2day.com, आपका शहर आपके पास।